हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं अमीबा के बारे में, जो 10 क्लास का एक बड़ा ही सुंदर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अध्याय एक में है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। यहां देखेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो पोषण तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि आखिर पोषण है क्या। पोषण में हम आपको बताए थे कि जब भी कोई जीव किसी वातावरण से या किसी अन्य स्थान से भोजन को ग्रहण करता है और उसे पचाने योग्य बनाकर उसे अवशोषित कर लेता है, उसे ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम पोषण कहते हैं। तो हम यहां ध्यान देंगे कि कोई भी जीव जो अपना भोजन करता है, तो सबके अलग अलग तरीके हैं। हर जीव अलग अलग तरीके से अपना भोजन स्वीकार करता है, उसे ग्रहण करता है। उसी प्रकार अमीबा में भी भोजन को ग्रहण करने का एक अलग तरीका है, जिसे समझने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में जरूर बने रहें, ताकि हम आपको इसे अच्छे से डिटेल्स में समझा सके। तो चले फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट, हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। हम जानते हैं कि इस धरती पर दो तरह के सबसे पहले जीव आए थे, एक एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय, जिसमें सबसे पहले एक कोशिकीय आए थे और उसी एक कोशिकीय में से एक जीव है अमीबा। तो हम जानेंगे कि अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए यह जल में उपस्थित छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को तथा छोटे छोटे पौधों को यह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और अमीबा में पूर्ण जैवीय पोषण होता है। अब यहां सवाल उठता है कि पूर्ण जैवीय क्या है। तो जब भी कोई जीव जिसके पास भोजन करने के लिए कोई विशेष मुख नहीं होता और वो अपने शरीर के किसी भी सतह से जब भोजन को अवशोषित कर लेता है और भोजन ग्रहण करके अपना भूख को मिटाता है, तो उस तरह के पोषण को हम लोग पूर्ण जैवीय पोषण कहते हैं। तो हम समझ गए कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है और उसमें पूर्ण जैवीय पोषण होता है और वो जल में उपस्थित छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को और उसमें तैरते हुए छोटे छोटे पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ऐसे सामान्य रूप से हम यहां लिखे हैं, ध्यान देंगे कि अमीबा का सामान्य भोजन बैक्टीरिया, डायटोम्स, एक कोशिकीय शैवाल जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं हरे हरे कलर का, और जल में तैरते हुए सूक्ष्म जीव, इसे यह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी चीजों को अमीबा भोजन के रूप में लेता है, तो आखिर उसे अंतर ग्रहण कैसे करता है। जब उसमें पोषण होता है तो भोजन को यह अंदर की ओर ऑब्जर्व कैसे करता है, लेता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। हम पहले समझ गए कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, लेकिन ध्यान रखेंगे अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। हम ऐसे बनाए हैं, अगर आप चाहें तो अमीबा का अगर ऐसे भी अगर बना देते हैं किसी भी तरह, तो वो अमीबा का आकार हो जाता है, चूंकि यह किसका निश्चित आकार नहीं होता है। और हर अमीबा में एक केंद्रक होता है, एक कोशिकीय जीव में। तो देखेंगे ये आपका अमीबा हो गया और यहां पर हो गया इसका केंद्रक। तो हम ध्यान देंगे कि जब भी अमीबा के शरीर के सतह के पास, अब इसका ये देखिए पूरा सतह हो गया, और इसमें भोजन करने के लिए कोई भी विशेष मुख नहीं होता। अब जैसे हम लोगों के पास से कोई चीज आए तो एक जगह से, अब चाहे तो हम यहां से भोजन नहीं ले सकते, नाक से भोजन नहीं कर सकते, कान से भोजन नहीं कर सकते, जब भोजन करेंगे तो मुख से। तो हमारे भोजन करने के लिए एक जगह बनाया गया है, लेकिन अमीबा में भोजन करने के लिए कोई विशेष मुख नहीं होता है। तो हम ध्यान देंगे कि जब भी इसके शरीर के सतह के पास कोई भोजन आता है, अब यहां देखिए रेड कलर का बनाया गया है, यह इसका भोजन हो गया है। तो जब भी अमीबा के शरीर के सतह के पास कोई भोजन आता है, तो अमीबा के शरीर से एक अस्थाई रूप से कूटपाद के रूप में औंगुली नुमा संरचना निकलती है, प्रवर्ध निकलते हैं। अब यहां देखेंगे अमीबा के शरीर के पास यह भोजन आया, तो जैसे ही भोजन इसके शरीर के पास आता है,
तो इसके शरीर से एक उत्पाद की जैसी, ये देखिए ये जो आकार है, अब यहां से ये अपने आप ऑटोमेटिक एक उंगली नुमा प्रवर्ध निकलेगा, यानी जिसे कूटपाद कहते हैं, यानी कूटपाद नामक अस्थाई उंगली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं कि चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेर कर खाद्य रिक्तिका में परिवर्तित कर देते हैं। जब इसे ये घेर लेंगे चारों तरफ से, यहां देखेंगे यह भोजन आया और यहां पर यह क्या किए कि इसको चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके उसे खाद्य रिक्तिका में बदल देता है और उसे ऑब्जर्व कर लेता है, और इस प्रकार फिर अमीबा के अंदर यह भोजन चला गया। अब यहां देखेंगे, अब यहां पर इसके अंदर यह भोजन चला गया, इस प्रकार अमीबा भोजन का अवशोषण कर लेता है और इसमें पोषण हो जाता है। लेकिन अब ध्यान देंगे कि अमीबा के अंदर, शरीर के अंदर जो भोजन गया है, अब वो कैसे पचित होता है, तो कोशिका के अंदर लाइसोसोम होते हैं और लाइसोसोम में पाचक एंजाइम्स होते हैं, तो जैसे ही भोजन को अवशोषित करता है अमीबा, अब यहां मान लिया जाए कि लाइसोसोम है, अब लाइसोसोम में से पाचक एंजाइम्स निकल करके और इस खाद्य रिक्तिका में प्रवेश कर जाते हैं, तो जब इसमें यह भोजन है और जब इसमें पाचक रस प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद इन भोजनों को सरल अणुओं में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और यह खाद्य रिक्तिका अमीबा के चारों ओर घूमते रहता है, कोशिका द्रव्य में यह घूमते रहेगा, और इस पाचक रस के चलते इसके अंदर का भोजन जो है धीरे धीरे पच जाता है, जो पच जाता है भोजन, तो इस प्रकार अमीबा में पोषण पूरा हो जाता है। लेकिन जब अमीबा के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है, तो कुछ ऐसे अवशिष्ट भी बच जाते हैं जो शरीर के अंदर पच नहीं पाते, वो आकर के खाद्य रिक्तिका में फिर जमा हो जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य में जब अपचित भोजन जाकर जमा होता है, तो उसका भार बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार ये अमीबा में से खाद्य रिक्तिका घूमते घूमते शरीर के किसी स्थान पर जा करके और इसकी झिल्ली को तोड़ करके और बाहर की ओर निकल जाता है। तो शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकलना हम लोग बही क्षेपण कहते हैं। क्या कहेंगे? बही क्षेपण। और हम लोग मनुष्य में समझे थे कि शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, लेकिन अमीबा से जो अपचित भोजन इसी किसी भी हिस्से को तोड़कर जो बाहर निकलता है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बही क्षेपण। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों ने देखा कि अमीबा में भोजन का पाचन यानी पोषण आसानी से हो गया। अब एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं कि अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है या पोषण। तो अमीबा में भोजन करने के लिए कोई विशेष मुख नहीं होता। जब उसके शरीर के सतह के पास कोई भोजन आता है, तो अमीबा के शरीर से उंगली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं, जिसे कूटपाद कहते हैं। कूटपाद के रूप में अस्थायी रूप से उंगली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं, जो उसे घेर कर खाद्य रिक्तिका में परिवर्तित कर देते हैं और उसे अवशोषित कर लेते हैं, और भोजन अंदर जाने के बाद लाइसोसोम से पाचक एंजाइम्स निकलते हैं, जो भोजन के अंदर उसे सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, और इस प्रकार अमीबा के अंदर पोषण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आप आसानी से लिख सकते हैं कि अमीबा में भोजन का पोषण किस प्रकार होता है। तो हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको पसंद भी आई है। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो हमें अगले वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएंगे, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक अवश्य करें। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि जब आप क्लिक करेंगे तो हमारा अगला वीडियो बड़ी आसानी से आपके पास पहुंच जाएगा, और हमें कमेंट से पता चलेगा कि हमें वीडियो में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो उसे हम दूर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।